चिप्स खा गई थी खानिया खा ले तो कहां से व्रत रखना तो बस फिर गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, वेट फॉर द पार्टिसिपेंट टू कम। हेलो हेलो बच्चे, लास्ट लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप के रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम अप टू योर एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप्स आउट रिलेटेड विद योर एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप एनी अदर टाइप ऑफ टू टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। हेलो
I am audible to all of you students? Yes sir. Yes sir. So previous lecture पे सबको excitation table clear है, because उस excitation और truth table के base में now right now I have to do the starting one with the conversion of the flip flop from one flip flop to the another flip flop. I have do the two or three example for that, and rest one you have to done with your individually. Okay? इस conversion में आपको मैं दो तीन conversion ही करवाऊंगा बस. उसको basic concepts आपको clear करवा दूंगा कि flip flop convert कैसे करने. I will wait for 1 or 2 minutes more for regarding your to attend more participants. Okay?
हेलो विपुल, तेरा क्लास नहीं है क्या? तेरा क्लास नहीं है? चल ठीक है ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। नहीं अब ये बाकी COLPR वो क्या बोलते हैं मैथ का बाकी, हाँ बनाता हूँ। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी अभी एक कहाँ सो रहा है यार, मैं नहीं खेल रहा अभी। यार पांच पांच मिनट में बना लेता हूँ मैं। 5 मिनट में कैसे? बस ना चेंज करना होता है ना, एडिटिंग करनी होती है थोड़ी सी बस। ओ भाई भाई भाई, चल ठीक है। अच्छा चर्ची के साथ खेल रहा है क्या तू अभी? चल ठीक है ठीक है, हाँ मैं लगा था। Stop annotate between them, बच्चे don't mark anyone. Hello, I am audible to all of you students. Yes, sir. That is the SR2 D flip flop. So previously I have discussion that is all having the clear of the excitation table of your flip flops. All of you clear them? Then I have to go forward regarding the conversion of the SR2 D flip flop. Okay. So now how to convert that is the one flip flop to the another flip flop by using this method. So in this first method, you have to convert SR2 D flip flop. Okay. In SR2 D flip flop, firstly you have to draw the truth table for SR2 D flip flop. Truth table. सबसे पहले उसमें आएंगी इनपुट्स, दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ योर डी एंड शुड बी कंटेन योर आउटपुट। आपको बनाना एसआर से, हेलो एसआर टू डी फ्लिप फ्लॉप। ओके एसआर का ट्रुथ टेबल, हेलो सर, सर एसआर का ट्रुथ टेबल है ये वाला, ये एसआर का टेबल अभी बनाया ही नहीं है बच्चे, अभी तो बनाया ही नहीं अभी कुछ। नहीं नहीं पहले एसआर का बनाएंगे ना सर, फिर वो डी में वो बनाता, मैं दिखा रहा हूं यही स्टेप आपको समझा रहा हूं। देखिए मींस फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ SR2 डी फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हमारा डी और हमारी इनपुट क्या है, इनपुट इज नाउ प्रेजेंट स्टेट एंड Qn एंड द n+1, दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट एंड दैट इज योर Qn+1 इज नाउ नेक्स्ट स्टेट। ओके आउटपुट, आउटपुट शुड कंटेन योर एस एंड आर अकॉर्डिंग टू योर कॉम्बिनेशन। जैसे हम पिछली बार हमने सॉल्व किया, द बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके नाउ आई हैव टू ड्रॉ द फर्स्टली डी ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर डी, एक्साइटेशन ऑफ योर टेबल डी दैट इज योर 0101। देखो ये डी का एक्साइटेशन टेबल है, चेक करो अपने टेबल से। ओके ये मेरा एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर डी, एक्साइटेशन ऑफ योर डी। ओके सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर, इसके अकॉर्डिंग अब आप एस आर का एक्साइटेशन टेबल बनाओ तो आपकी वैल्यू आएगी 010 क्रॉस क्रॉस 010। सो दैट इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर एसआर। देखो यहां तक क्लियर है पहले बच्चे? देखो आई हैव टू ड्रॉ द कन्वर्जन ऑफ एसआर टू डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप का मेरा एक्साइटेशन टेबल ये है और एसआर का एक्साइटेशन टेबल मेरा ये है, जो हमने पिछली बार चार एक्साइटेशन टेबल पढ़े थे। क्लियर? वेट वेट फॉर अ मिनट।
टेबल आपने बना लिया। ड्रॉ द के मैप फॉर एस एंड आर। ये देखो एक्साइटेशन टेबल बना दिया मैंने बोथ डी एंड एस आर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नॉट एंड आर। तो एस के पास आउटपुट कितनी है? फोर। सो यू हैव टू ड्रॉ द फोर बॉक्सेस के मैप। ओके, फोर बॉक्सेस के मैप। योर इनपुट इज नाउ D and Q1, because Q1 plus 1 ले लो, because यहाँ से अब दोनों input इसकी लेंगे। Q1 plus 1 is now next stage for the flip flop. So I have to draw this one 0 1 0 1. So that is the value of S. Similarly R के लिए बनाएंगे हम A map. This is D, this is a Q1. देखो यहाँ तक सबको पता चला मैंने A map कैसे बनाया। सर एक बार रिपीट कर दो। सो नाउ फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द व्हिच फ्लिप फ्लॉप यू हैव टू रिक्वायर्ड। मीन आपने एसआर से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आपने डी का एक्साइटेशन टेबल पहले बना लिया है। ओके, सो वेट Now, let's do, हमने सबसे पहले ये डिस्कशन किया था जो फ्लिप फ्लॉप हमने बनाना होता है उसका एक्साइटेशन टेबल हम पहले बनाएंगे। Now, next is now SR flip flop का एक्साइटेशन टेबल बना दिया। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा SR के अकॉर्डिंग है जिससे मैंने कन्वर्ट करना है वो मैं आउटपुट बनाऊंगा S के अकॉर्डिंग। अब S की मेरे पास आउटपुट कितनी है? 4। 4 के अकॉर्डिंग मैंने 4 बॉक्सिस का K मैप बना दिया। K मैप बनेगा D और Q1 के बेस के ऊपर। क्लियर एवरीवन? हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Clear this one? Now, yes, sir. This is the situation 0010. अब यहाँ पे देखो ये चारों वैल्यू आई कैसे हैं? That is a combination of 0100, 0101, 10 and 11. देखो 00 पहली जो कंडीशन थी वहां पे S की वैल्यू क्या आ गई? 0। फिर 01 पे
ये यहाँ पे 0-1 आएगा, सॉरी 0-1 पे क्या वैल्यू आई है उसकी, 0 0-1 पे वैल्यू आ गई 1, ये 1 मेरा यहाँ पे आ गया, 1-0 पे वैल्यू क्या आई, 0-0 उसके अकॉर्डिंग 1-1 पे वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस, ये क्रॉस यहाँ पे आ गया। अब ये मेरा एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया ऐसे, यस सर, ओके। तो एस की वैल्यू क्या हुई, एस इज इक्वल टू डी, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एस की वैल्यू हो गई डी, और आर की वैल्यू क्या हुई, दैट इज 0-1-0-1, आर इज इक्वल टू डी बार अकॉर्डिंग टू दिस वन। देखो ये वैल्यू समझ लगी, एस की वैल्यू कैसे निकली और आर की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, yes, sir. This is S is equal to D and R is equal to D bar. Now next is to draw the SR to D flip flop. ये मैं आप टेबल डिलीट कर रहा हूँ, because इससे मैंने K map बनाना था, वो मैंने बना लिया। Now next step is to draw the flip flop from SR to D. SR से मैंने D flip flop बनाना था. Means मेरे पास SR flip flop था. S, R, Q and Q bar here. Okay? Yes, sir. That is your output of the SR. Means S पे क्या input है? D. This is your D. R पे क्या है? D bar. You have to go invert gear here. This is your D. This is a required flip flop. अब आपका D flip flop ऐसे ही होता है कुछ? Yes, sir. D flip flop ऐसे ही आपका बनता है बच्चे? Yes, sir. So the logic conversion साथ पे इसके clock लगा लो यहाँ पे कुछ. This is your clock. So that is a conversion of SR to D flip-flop. Anyone having the doubt of this conversion? How to make your one flip-flop to the another flip-flop? That is a SR to D flip-flop. Everyone clear this method? That is done with the conversion with the help of some steps. Step is now, you have to do which type of your flip-flop you have to require. उसका एक्साइटेशन टेबल पहले बनाओगे, फिर जो आपके पास गिवन है उसका एक्साइटेशन टेबल बनाओगे, उसके बाद जो आपको गिवन था जिसके आपने कन्वर्ट करना है उससे वहां फिर के मैप बनाओगे, के मैप से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके यू हैव टू नेक्स्ट टू हैव टू ड्राइव योर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इसके अलावा हम इसके बाद एक और फ्लिप फ्लॉप करते हैं, उससे और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये क्लियर है बच्चे सबको, हाउ टू ड्रॉ एसआर टू डी फ्लिप फ्लॉप? क्लियर एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. Clear, sir. एस आर टू जेके फ्लिप, नाउ यू हैव टू कन्वर्जन ऑफ योर एस आर फ्लिप फ्लॉप टू दी जेके फ्लिप फ्लॉप।
SR2 JK फ्लिप फ्लॉप। SR2 JK फ्लिप फ्लॉप में क्या करोगे, सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल किसका बनाओगे, व्हाट हैव द टू टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, मींस आप सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल बनाओगे JK Q Qn+1, then you have to draw your S and R. ऐसे ही बनाओगे एक्साइटेशन टेबल? Yes sir. Okay, so now you have to draw the excitation table. अब इसमें क्या है, you have to draw the value of the two times. Wait. 0 0. That is the excitation table of your JK. This is your 0, 0, 1, 1. 0, 0, cross, cross. Now that is excitation table of your JK and excitation table of your XR. हमने यहाँ पे दो दो multiple time इसलिए input लिए हैं because JK पे हमारे पास जो excitation table था that should be the upping the value of the cross. Means JK पे 0 0 पे value हमारी आती थी 0 cross यहाँ पे. All of two have to clear about this excitation table of your JK and SR. Anyone having the doubt of this? Excitation table from conversion of SR to JK flip flop. Yes or no? Anyone having the doubt up to this point? My voice is audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. No, sir, clear, sir. No doubt. यहाँ सर एक मिनट रब ना करना सर, थोड़ा देख रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं. Clear? So now next step is to draw your K-map. K-map corresponding to the output S. S ke corresponding mein kaun kaun se lunga? That is the required J, K and Q, N. Yes, 2 cross 4 ka ban jayega. J, K, Q, N. J, Q, Q. J, K. U N. This is a S. This is for your R. J K Q N for R. N plus. Yes. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. Okay. Now you have to put up the value after the finalize. That is your 0 1. Cross, cross, 0 0. That is your 0 1. Cross, 0 0 0. 1 1 cross 0. That is your final value of S and R. Relevant with that, that is a pairing is possible. This is a pair with that this one, and this is a pair of this one. Sir, second table chhi bhi KQN ya. KQN ya aega na, bache, because you have to find out the value of S. That is the JKQN input. R ki bhi JKQN hi aega. Okay, sir, n plus one nahi use hoga. N plus one hum use nahi kar rahe because that is your previous state or next state. Hum ek hi stage leke us present state or next state hai na. Present state is now n. Next state is now n plus one. Hum QN se isko solve karte hain sare step.
क्लियर दैट यू हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ योर प्रेजेंट स्टेट क्यू एन के अकॉर्डिंग एस की वैल्यू मेरी क्या होगी यहां पे दिस इज अ कॉमन दैट इज अ मीन जे ऊपर से आ गया क्यू एन बार आर इज इक्वल टू ये पेयर है आपका दोनों यही वैल्यू कॉमन आएंगी दैट इज अ मीन्स के क्यू एन दैट इज अ फाइनलाइज टू वैल्यू ऑफ योर S and R. देखो यहाँ तक K में पे according जो हमने S R की value निकाली है वो clear है सबको. Yes. All of you have to clear up to this point the conversion of your S R flip flop to J K flip flop. Clear sir. Last of the class. Only in the it can have in the response to me. Rest other students. All of you clear up to this point. Yes sir. Okay. Yes, I have sir. To go forward regarding to conversion logic diagram for that. Okay, I have to erase this to table. Now draw the flip-flop diagram. So, इसके according ही सारे सारे के सारे flip-flop ऐसे ही decide होंगे. अब यहाँ पे मेरा था SR से JK बनाना था हमने. हमने मैंने SR बनाया. S की इनपुट क्या है मेरी S इज इक्वल टू J Q N बार यस सर ये Q N ओके सर यस सर J इज इक्वल टू S की वैल्यू क्या है J Q N बार दैट इज योर J S Q N बार दैट इज योर Q N यस सर R is equal to K QN. K QN. QN आ जाएगा सर. Yes sir. So that is your flip flop conversion of your with the using your clock. देखो बच्चे यहाँ तक clear है सबको. All of you have to clear. I have to draw the diagram of to SR to JK flip flop. Yes sir. All of them clear the conversion. Anyone having the doubt up to this point of the conversion? जो मेरे PPT पे जो conversions आ रही हैं, that is all the done conversion by using this method. सभी बाकी सभी हो जाएंगी conversion. That is SR to D, SR to JK, SR to T, JK to D, JK to D. करवा दो. सर एक और करवा दो. एक और करवा दे. कौन सी करवा दे? मैं देखता हूँ. Wait करो. सर यहाँ तक देख लो doubt है. सर क्लियर है चलो एक और देख लेते हैं सर टी टू डी करा दो टी टू डी सर उसमें क्या होगा देख लेते हैं क्या होता है नेक्स्ट देखो हमको जो कुछ टिपिकल वाली हो वो देख लेते हैं ना इजी वाली तो हो ही जाएगी एक नेक्स्ट कर लेते हैं डी टू टी फ्लिप फ्लॉप क्लियर एवरीवन दैट इज द थर्ड फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन आई हैव टू डू इन द बोर्ड डी से टी तो सबसे पहले टी रिक्वायरमेंट है तो टी की 00011011 दैट इज योर टी ओके टी की वैल्यू क्या है बच्चे जीरो वन वन जीरो जीरो वन ओके एक्साइटेशन टेबल दैट इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर टी एंड दैट इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ योर डी यू हैव ऑल ऑफ कम हैविंग द क्लियर अप टू दिस पॉइंट कन्वर्जन ऑफ द डी टू टी Now yes, you have to draw the K map for the D. Square even. Only one is required because output एक ही है. So yes sir. जो K map बनेगा, that is here 0 1 0 1 0. Okay. So जो output आएगी, that is D is equal to individually है.
टी आ जाएगा यहां से टी बार क्यू एन प्लस टी इंटू क्यू एन बार. देखो यही यही चीज क्लियर है बच्चे? यस सर. सो दिस इज अ बेसिकली एक्सोर गेट. डी इज इक्वल टू टी एक्सोर ऑफ हियर एक्सोर ऑफ क्यू एन. यस सर. नाउ आई हैव टू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. I have to draw. Caps of your QN. That is a T and QN. QN is now this one. That is the Q1. All of them having the clear up to this point. It is the conversion of here. Yes, sir. Conversion up to this point clear. That is D to T conversion. Yes, sir. Clear. If you feel having a doubt regarding to up to the topic of the convergence of the flip flop. Procedure for the conversion. Draw the block diagram of the target flip flop from the given problem. Write the truth table, jo maine excitation table. Okay. Draw the K map and draw the block diagram. Ye steps humne kiye hain. Ye truth table, excitation table. Ye same wahi hai jo usi conversion maine karwai hai aapko. Usi ke relevant sari conversion isme likhi hui hai. So anyone having the doubt relevant to this one conversion, then clear to with me. Batao bache. Clear, sir. Clear hai? Chale aage. Sir. Gurkita Singh. Excuse me, sir. कौन बोल रहा है? गुरकिरत? Yes, sir. हाँ जी बताओ बताओ. सर PDF शेयर कर देना सर प्लीज. बच्चे ये PDF आपकी ERP पे साथ साथ में अपलोड होती जा रही है. चेक करो वहां से. पोर्टल में सर? हाँ हाँ बिल्कुल. ठीक है सर. ठीक है ना? सर जी स्लाइड से तुम कन्वर्जेंस देती हो ऐसे सर बच्चों कोई भी एक पेपर जा सकती है. मतलब किदा? मनप्रीत मैं कहना की सर पेपर कोई भी आ सकती है ना सर? कोई भी है. मैं लॉजिक और स्टेप्स समझा रहा हूँ कि लॉजिक स्टेप्स ये हैं इसके. पेपर में कोई भी आ सकती है. हाँ जी सर लॉजिक तो सेम ही रहेगा. लॉजिक सेम रहेगा, स्टेप्स वही रहेंगे, केबीआई बना के डायग्राम वैसे ही बनाते रहेंगे. क्लियर अप टू दिस पॉइंट ऑल ऑफ द स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? यस सर. मनीष कुमार आर यू प्रेजेंट? राधिका मित्तल, राहुल टंडन, प्रिया मेहता, प्रिंस कुमार? यस सर. लगी समझ? Yes, all of them who have to clear up to this point, then I have to go with the next topic, that is resistors. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. ठीक है. यहाँ तक बच्चे फ्लिप फ्लॉप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ तक हमें टू टेबल सब चीज पता होनी चाहिए क्योंकि आगे हमने डिस्कशन करने हैं रजिस्टर और काउंटर. वो फ्लिप फ्लॉप के ऊपर बेस ही है सारे. यस सर. ठीक है सर. जो पोल्ट्री में किए थे वैसे ही होते हैं. क्या चीज? जो काउंटर वगैरह हम कॉपी में यूज करते हैं वैसे ही हैं सर. सर काउंटर रजिस्टर सर. सर आगे करिए सर. सर
समझ नहीं आ रही मेरी। आई एम ऑडिबल टू सर विच विच तो डिवाइस क्रैक होंदी है। हेलो 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 सर आ रही है कि नहीं सर? आ रही है सर। लो है बट थोड़ी वो है बड़ी एक सेकंड मोड पे। हेलो हेलो आ रही है आवाज? यस सर। हेलो यस सर। यस सर आ रही है। अब आ रही है सर। अब आ रही है एक्यूरेट है? यस सर। अब मैं आपको पोल भेज रहा हूं, एक दो पोल करो चलो जल्दी पहले ये लो। ओके ओके सर। फर्स्ट पोल है, आई विल गिव यू फर्स्ट पोल। कॉल का आंसर दो जल्दी बच्चे, थ्योरी के क्वेश्चन है सारे। सर इसका आंसर क्या आना था? इंदर हमें पोल सबमिट करने दो प्लीज। जल्दी करो बच्चे। बच्चे एक्यूरेट आंसर इज नाउ टी फ्लिप फ्लॉप इन दैट। ओके गिव द आंसर ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। Give the answer right now. बच्चे सेकंड पोल आ गया। हेलो यस सर। ओ इसका आंसर
गिव द आंसर राइट नाउ बच्चे. Ten students are pending right now. Give the answer. बच्चे पोल एंड करता हूं. द ओनली डिफरेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज दैट फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर ए क्लॉक पल्स. क्लॉक साइकिल. यस यस. ओके यस सर. नाउ आई गिव द नेक्स्ट पोल टू यू. पोल 3 का द आंसर. सर 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 दैट इज योर ऑप्शन ए फॉर दैट. ओके टू स्टेबल. हां जी बताओ बच्चे. सर जी मैं अपन हमने तीन कन्वर्जेंस की थी. मैं सर जी थे अपन एक्साइटेशन स्टेट बनाते आए हैं सर. चाहन ऊपर पता कितना लगता है कि टी के थल्ले 0110 लिखेंगे कि ये सब सर पैटर्न है कितों पता लगता है. एक सेकंड ये पोल कर लो फिर मैं बताता हूं. ये पोल का आंसर मेरे को रैंड ऑफ करने दो. सर जी एक और पोल है. मैं एक और पोल देता हूं. इसकी
how many stable state combination logic circuit, that is the answer is now 2. 2 4 4 kar lo fir main aapka theory solve kar dunga. करो इसको, इसको आंसर दो. ये ना थ्योरी बेस है, इसलिए इसमें मैं पोल ज्यादा दे रहा हूँ कि आपके लिए क्लियरेंस होगी. ये सभी चीजें थ्योरी है तो इसको टाइम मत लगाया करो, जल्दी सॉल्व करो इसको. एंड यस देखो, हमारा एनालिसिस काम तो किया और हमेशा करेगा एनालिसिस वगैरह काम, बट देखा आपने मार्केट के हिसाब से भी आपको बदलना पड़ता है कई सारे अपने अप्रोच को. तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे एनालिसिस पे डिपेंडेंट हो जाओ. मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने जिस तरीके से एनालिसिस किया वो तरीका पकड़ना, उसको सीखना. म्यूट योर वॉल्यूम करते जाना, ठीक है? डोंट गेट प्रॉब्लम बच्चे टू टेबल में सर मनप्रीत को दी. मनप्रीत यस सर. हाँ जी बच्चे बताओ अब क्या प्रॉब्लम थी टू टेबल में बताओ. सर मैं कह रहा कि जब एक्साइटेशन स्टेट्स बनाने हैं ठीक है तो सर अपन 0 1 किस तरह वे के लिखते हैं ना किवें पता लगता है किथे 0 लिखना है किथे 1 लिखना है. अब बात सुनो मैं ना आपको चलो अब पीपीटी जो मैंने शेयर दूसरी कर दी है. जब मैंने कन्वर्जन के वक्त ऐसा टेबल टू टेबल बनाया था उस वाले टेबल की बात कर रहे हो ना आप? जी सर कोई भी मतलब कोई भी कन्वर्जन जो अभी मैंने कन्वर्जन के वक्त बनाया था वही वाला कह रहे हो ना?
जी सर यस सर वही कह रहे लो ठीक है ये टेबल मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे बनाया मैंने को मैंने दो कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर दिया पहले ये क्लियर है देखो सबको मनप्रीत जी सर ये तो क्लियर है ठीक है चारों फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल आपको करवाए थे हेलो कराए सर यस सर यस सर कराए थे सर उसी का पन्ना बनाया है सर यू आर नॉट ऑडिबल सर इज नॉट स्पीकिंग येट वी बट सर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग राइट नाउ हेलो सर मुश्किल तो है बट एक बार मरना एक मिनट में लगता है अगर एसआर का ट्रुथ टेबल आपको पता है उसके बेस पे आप सभी सभी के सभी बना लोगे ट्रुथ टेबल इसके हाँ जी सर एसआर बेस तरह का काम कर हाँ तभी तो मैंने एसआर को आपको कहा था कि एसआर समझ लो उसके बेस पे डी टी जे के फ्लिप फ्लॉप और उसकी कन्वर्जन के एक्साइटेशन टेबल सभी क्लियर हो जाएंगे क्लियर एवरीवन चलें आगे तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे रजिस्टर्स ओके रजिस्टर स्टार्ट करते हैं रजिस्टर क्या होते हैं रजिस्टर इज बेसिकली इज ए फॉर्म ऑफ स्टोरिंग रजिस्टर इज ए डिजिटल सर्किट विच इज द टू बेसिक फंक्शन डेटा स्टोरेज एंड द डेटा मूवमेंट रजिस्टर के कौन कौन से फंक्शन है बेसिकली इट इज ए डिजिटल सर्किट विथ two basic function data storage and data movement a shift register provide the data movement function and the shifter register shift its output once every clock cycle okay a shift register basically a shift register is a group of flip flops set up in a linear fashion with their inputs and outputs connecting together in such a way that data is shifted from one device to the another when the circuit is now active means resistor kya hai basically aapka ye flip flop se bana hota hai iska basic functionality hai ya ye data ko store karega either data ko move karwayega okay data ko move store karwane ke liye use kiya jata hai okay according to this one shift register application converting between serial data and parallel data temporary storage in a processor some arithmetical operations multiply divide communication uart some counter application just like a ring counter johnson counter time device that are the some application of your shift registers okay next yes, is now shift register characteristics according to your shift register It should be depend upon the basically four types. इसकी types four ही हैं. That is the first one is now serial in, serial out. देखो ये एक उसने basically diagram बना दी है end bit shift register की. पहली type है serial in और serial out. Means serial data आएगा, serial output data आएगा. अब serial और parallel form में data में क्या difference होता है? I have to write up in your board.
सीरियल डेटा क्या होता है? सीरियल डेटा मीन्स यू हैव टू ट्रांसफर दिस टाइप ऑफ डेटा, दैट इज 1 0 1 0 0 1 0. पैलर क्या होगा? 1, दिस इज योर 1, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर डेटा D0, D1, D2. This is a 3-1 is, that is a known as your parallel form. That is your serial form data. That is your serial data and that is your parallel data form. Clear? It means serial mein data kaise jayega? Serial manner mein jayega. Aur parallel mein kya jayega? Data should be follow in the term of your parallel manner. Okay? So uske according mera shift register hai. There are basically 4 types. Serial in and serial out. Serial in and serial out, serial in and parallel out, parallel in and parallel out, parallel in and serial out. So there are the basically 4 types of your shift register. और उसके base पे हमारे 2 or 3 तरह के register और बन जाते हैं. That is based upon these 3, based upon these 4 register. एक होता है unidirectional register, bidirectional resistor और universal resistor. इन तीनों resistors में क्या होता है? Basically कुछ ना कुछ functionality हमारे पास ज़्यादा होती है. जैसे यहाँ serial in serial out में केवल एक functionality होगी, serial data आएगा, serial data. मेरा एक बार repeat कर दो, serial and parallel. किसमें बच्चे? Serial and parallel sir, दोबारा repeat कर दो sir, समझ नहीं आया. वैसे दोबारा बता देता हूँ बच्चे. तो ये स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर मेरा 4 टाइप्स का होता है, सीरियल इन सीरियल आउट अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम इन योर पीपीटी. मींस सीरियल इन पे डेटा जा रहा है और सीरियल आउट पे डेटा हो रहा है. सीरियल इन पे डेटा जाएगा, पैलर आउट निकलेगा. पैलर इन डेटा आएगा, पैलर आउट हो जाएगा. पैलर इन डेटा होगा और सीरियल आउट हो जाएगा. दैट इज द 4 टाइप ऑफ रजिस्टर्स वी आर डिस्कसिंग इन दैट. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ और रजिस्टर आते हैं, दैट इज अ बाई डायरेक्शनल रजिस्टर इन दैट, यूनिवर्सल रजिस्टर और बाई डायरेक्शनल रजिस्टर. हेलो, हाँ जी बेटा. मींस हमने बिट बाईडायरेक्शनल रजिस्टर, यूनिवर्सल रजिस्टर और बाईडायरेक्शनल. ओके, इस डायरेक्शन सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अब आगे यस सर. यस सर, हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. चलो कोई बात. हेलो, अब आ रही है बच्चे आवाज? ठीक है. यस सर. यस सर. विद इन ए शिफ्ट रजिस्टर can move in any of the following manner. Okay? Serial in data mein either data aapka shift left ho sakta hai aur parallel in serial out mein shift right bhi ho sakta hai. Means
this is the first one is your data in, shift right, data out. Serial in, shift left, serial out. Data out, parallel in, serial out. So that is the some type of the manner. I have the discussion one by one with your each and every type with you. Okay. I have to starting with one, serial in and serial out. Okay. In the board. Check out this one. सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट इन और राइट इन. हेलो नाउ ये बच्चे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं शिफ्ट रजिस्टर. हेलो सर कोलपी में सर करवा रहे थे रजिस्टर. Yes, sir. हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट लेफ्ट मोर मीन सीरियल इन और सीरियल आउट साइड करते हैं. ओके सीरियल इन एंड सीरियल आउटपुट में शिफ्ट लेफ्ट मोड हम डिसाइड करते हैं. शिफ्ट लेफ्ट मोड क्या है. ओके सो सबसे पहले यहां पर डिस्कशन करते हैं इसकी डायग्राम बनाते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे क्लियर होगी. तो यहां पे हम 4 बिट का डेटा डिस्कस करते हैं. बच्चे इस सबका लॉजिक समझना. ये सारे शिफ्ट रजिस्टर समझाए नहीं जाएंगे. इसका आपको लॉजिक समझना पड़ेगा. लॉजिक क्या है बेसिकली. क्लियर. नाउ इस डायग्राम में चार फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए हैं. दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप वी आर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप. ओके और डी फ्लिप फ्लॉप हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज डी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं होती. दो स्टेट होती हैं वो भी स्टेबल और अनस्टेबल. दैट इज योर रीसेट एंड योर सेट स्टेट. ओके चार फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए हैं. हमारे पास रीसेट स्टार्टिंग वैल्यू 00 है और मैंने 111 डेटा इस पे डेटा शिफ्ट करवाना है. ठीक है अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम इसका मैं टू टेबल बना लूं. Board is visible to all of you. बच्चे board visible है सबको.
हेलो एवरीवन यस सर सीरियल इनपुट डी जीरो This is your truth table, meaning that is your clock is given in that. Clock is now low. सबसे पहले input जो है ये हम कर रहे हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट लेफ्ट मोड मीन सीरियल इन सीरियल आउटपुट जो आपका डेटा शिफ्ट हो रहा है दैट शुड बी इन द मैनर ऑफ योर लेफ्ट मोड Now checking out this one. All my voice is audible to all of you. Now reset value जो आपकी इस serial in serial output register पे थी that is your 00. उसके पास आपके पास आपने अब 11 data shift left करना है serial input serial output means D in आपके पास यहाँ पे serial input data है. सबसे पहले आपने जो इनिशियल वैल्यू थी ये Q3 आउटपुट आ गई Q2 आ गई Q1 आ गई Q0 आ गई D0 के आ गई D in और किसी की भी इनपुट प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के साथ कनेक्टिविटी है और सबको क्लॉक दी गई है सिर्फ इंडिविजुअली क्लॉक दी गई है सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ आपके चलेंगे दैट इज द कंडीशन ऑफ दिस वन सबसे पहले D0 की वैल्यू D1 हुई मीन D1 D in की वैल्यू 1 हुई तो D in जब 1 हुआ तो Q0 की वैल्यू क्या हो गई बताओ जब इस फ्लिप फ्लॉप पे वैल्यू वन जाएगी तो Q0 की वैल्यू सेट होगी कि रीसेट होगी टेल अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ योर डी फ्लिप फ्लॉप सर रीसेट होगी रीसेट और सेट सेट होगी सर डी जीरो की वैल्यू वन होगी तो Q की वैल्यू वन हो जाएगी तो ये Q0 की वैल्यू वन हो गई सर एवरीवन सर Q0 की वैल्यू वन हो गई हेलो एवरीवन यस सर हां जी सर हां जी होगी होगी पहले स्टेप पे जब क्लॉक चली आपकी जब पहली ये क्लॉक रन हुई क्लॉक 1 2 3 4 सबसे पहली क्लॉक रन हुई तो D0 पे D इन की वैल्यू 1 मेरी D0 पे गई तो पहली क्लॉक में मेरी यहां पे वैल्यू 1 आ गई उस क्लॉक साइकिल पे तो मेरी उस वक्त वैल्यू क्या थी Q0 की वैल्यू 1 हुई Q0 D1 पे वैल्यू 1 चलेगी ठीक है जैसे ही मेरी वैल्यू 1 गई तो फिर मेरा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आ गया जब एक क्लॉक साइकिल चला तो उस पे ये वैल्यू 00 हुई तब पे सभी वैल्यू नहीं ना गई तब सेकंड क्लॉक साइकिल चला तो फिर dn की वैल्यू 1 हुई ये 1 की वैल्यू इसके 1 हो गया ये वैल्यू यहां पे 1 चलेगी dn की वैल्यू फिर 1 चलेगी फिर थर्ड क्लॉक साइकिल चला ये वैल्यू 1 इसकी 1 हो गई तो इसके अकॉर्डिंग आपका डेटा शिफ्ट बाय लेफ्ट 1 बिट होता रहा अकॉर्डिंग टू योर फोर क्लॉक मैनर लास्ट पे जब फोर्थ वाली क्लॉक चलेगी तो सब पे वो जो डेटा होगा वो लास्ट पे 1111 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट दिस ट्रुथ टेबल मैंने ये ट्रुथ टेबल कैसे वर्किंग कराया अकॉर्डिंग टू योर फ्लिप फ्लॉप अकॉर्डिंग टू योर सिंगल क्लॉक साइकिल जब सबसे पहली क्लॉक साइकिल चलेगी तो ये फ्लिप फ्लॉप चलेगा जब दूसरी क्लॉक साइकिल चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा आगे आगे शिफ्ट होना शुरू हो गया तीसरी क्लॉक साइकिल चलेगी डेटा आगे शिफ्ट हो जाएगा मैं पीछे से इनपुट 1 देता ही जा रहा हूं डी इन की वैल्यू मेरी कॉरस्पोंडिंग 1 मैं दे ही रहा हूं फोर्थ क्लॉक आया तो सब पे वैल्यू आ गई
तो लास्ट में मेरा सीरियल आउट पे डेटा होना शुरू हो गया. All of you clear up to this point? That is a serial input, serial output, resistor shift left mode. Anyone having the doubt up to this point? Check out my board. Kisi ko problem yahan pe how to data should be move left from serial in serial output mode. Sir, ek bari dobara samjha do sir. Samajh nahi aaya. Sir, in ki value one hi leni hai hamesha. Sabse pehla serial input, serial output mode discussion kar rahe hain, jisme ki shift left mode hai. इसमें शिफ्ट लेफ्ट भी हो सकता है, शिफ्ट राइट भी हो सकता है. उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप यूज किया, बिकॉज़ एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोरिंग पर्पस के लिए यूज होता है आपके लिए. क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले क्या था, मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं, एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बनी हुई है, और सबसे पहले इनपुट मैंने उसको डी इन दे दी है. सारे फ्लिप फ्लॉप को जो मैंने क्लॉक दी है वो एट ए टाइम इंस्टेंटेनियसली क्लॉक चलेगी, उसपे वैल्यू दी गई है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रुथ टेबल बनाया है. आउटपुट Q3, Q2, Q1, Q0, QD0 means Q2 की वैल्यू क्या है, D3 की आउटपुट. ठीक है, सबसे पहले मेरी इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0000. तब मैंने Din की वैल्यू कुछ भी नहीं दी थी. जैसे मैंने Din की वैल्यू 1 दी, पहला क्लॉक साइकिल चला, Din ये क्लॉक साइकिल चला, ये D फ्लिप फ्लॉप वर्किंग में आ गया, सारे वर्किंग में आ गए. 0 पहले 00 वैल्यू थी, सबकी वैल्यू 00 ही हो गई. इस पे वैल्यू 1 गई थी तो Q0 की वैल्यू क्या हो गई, 1. फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल दिया, इस पे 1 चला, इस पे 1 भी आ गई, प्रीवियस वाली 1 भी आ गई. फिर थर्ड क्लॉक साइकिल हुआ, इसकी 1 आई, इसकी पीछे 1 आ गई, इसकी पीछे से 1 आ गई. तो ये एरो जो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग लगाए हैं, इट शुड बी डेटा शिफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम Q0 टू Q3 आउटपुट. क्लियर एवरीवन? Clear everyone up to this point? Students clear hai bache yahan tak? Hello everyone. Yes sir. Clear hai. ऐसे ही इसका एक timing diagram है, वो भी मैं बना देता हूँ अभी. इसकी timing diagram कैसे बनेगी? मैं ऊपर वाली डायग्राम बना रहा हूँ, टाइमिंग डायग्राम बना रहा हूँ. टाइमिंग डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, चेक आउट देखो. दैट इज योर वेवफॉर्म ऑफ shift left operation. Okay, clock cycle सबसे पहले. clock cycle हम use करेंगे negative clock cycle. Okay, I am audible to all of you. D in. That is value 1. Q0. Q2. That is your Q3.
नाउ अब चेक करो बच्चे वेवफॉर्म सभी, चेक इट आउट दिस वेवफॉर्म। ये क्लॉक साइकिल मैंने बना दी, दिस इज जो प्रीवियसली फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम थी, इट शुड बी एक्टिवेटेड ओनली फॉर द नेगेटिव क्लॉक साइकिल। नेगेटिव मींस नीचे वाली क्लॉक साइकिल पे काम करेगा जब आपका सिग्नल चलेगा। सो डीन की वैल्यू मेरी सारी हाई थी, मींस क्यू जीरो की वैल्यू मेरी वन हुई पहले क्लॉक साइकिल में जब पहला फ्लिप फ्लॉप चला, उसकी वैल्यू मेरी हमेशा हाई रहेगी। क्यू वन पे मेरा आउटपुट कब हुआ वन, व्हेन इट शुड बी नाउ फ्लिप फ्लॉप टू एक्टिव कब हुआ क्लॉक साइकिल टू पे। क्यू टू भी फ्लिप फ्लॉप थ्री एक्टिव हुआ, दैट शुड बी द आउटपुट ऑफ द क्यू टू लेवल। सिमिलरली क्यू थ्री पे मेरी वैल्यू कब हाई हुई, दैट शुड बी द व्हेन फ्लिप फ्लॉप फोर इट शुड बी हाई। फोर्थ क्लॉक साइकिल पे मेरी फोर की वैल्यू हाई हुई थी यहां पे आके। सो दैट इज अ टाइमिंग डायग्राम एंड द वे फॉर्म ऑफ द शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। देखो डायग्राम में हाई लो की वैल्यू पता लगी कैसे मैंने बनाई है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इट शुड बी क्लियर द टाइमिंग डायग्राम व्हाट आई हैव टू राइट इन योर बोर्ड। यस सर क्लियर। मनप्रीत, हरकिरत, राधिका सर क्लियर जी है बस। सर एक और प्रैक्टिस करनी पड़ी सर। बच्चे ये देख लो ध्यान से, दिस इज योर सम ऑल द टॉपिक डिपेंड अपॉन योर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप चल रहा है सीरियल इन पैरेलल आउटपुट है। दिस इज योर सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट बाय लेफ्ट शिफ्ट मोड। हम डेटा को लेफ्ट वन बिट शिफ्ट कर रहे हैं देखो। जी सर क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये डायग्राम बनाई है कि पहली क्लॉक साइकिल जब नेगेटिव हुई तो मेरी पहला फ्लिप फ्लॉप चला, वो चलता ही गया। दूसरी क्लॉक साइकिल पे फ्लिप फ्लॉप टू एक्टिव हुआ, तीसरी क्लॉक साइकिल पे चलता गया, फोर्थ वाली पे फ्लिप फ्लॉप फोर। उसके अकॉर्डिंग एक एक करके मेरा डेटा शिफ्ट होता गया, वन 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 करके लास्ट पे चारों वन हो गए। फिर चारों वन हो गए फिर एंड सर। बट यही हमारा पर्पस है ना कि हमने डेटा को जीरो 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 से वन। हाँ जी सर सारे जीरो वन से कन्वर्ट हो गए। तो वन वन आपने लेफ्ट करके शिफ्ट किया। क्लियर अप टू दिस पॉइंट। सिमिलरली आप सॉल्व करोगे सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट राइट मोड, उसमें क्या होगा जो मैंने डायग्राम बनाई थी लेफ्ट पे डी जीरो आ जाएगा राइट पे डी थ्री आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब वेवफॉर्म वैसे ही रहेगी, D3 बन जाएगा D in और D0 बन जाएगा D out। फिर हुआ जैसे पिछले फ्लिप फ्लॉप में मैंने क्या किया गया किया था, D0 पे मेरी आउटपुट आ गई थी D in। हाँ तो उसी केस में क्या होगा कि रिगार्डिंग को दिस वन आपकी वो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, क्यों वो शिफ्ट लेफ्ट था ये शिफ्ट राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? All of them clear up to this point, all of you. Similarly, you have to do the PPT पे देख लो बच्चे, यहां से डेटा सीरियल इन गया सीरियल डेटा आउट गया, that is a simple one. अगर इसको सीरियल इन लेफ्ट राइट करोगे तो जो आगे पता चल जाएगा ये देखो, ये है आपका राइट शिफ्ट सीरियल इन सीरियल आउट, जो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया वही उसने ऐसे समझाया हुआ सारा सीरियल इन सीरियल आउट का ही। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे कुछ पोल दे रहा हूं, पोल सॉल्व करो इसका, पोल नंबर 5 बताओ इसका।
हो गया बच्चे सॉल्व जल्दी करो दैट इज द थ्योरी वन राइट नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन कर दो सर एंड अभी बच्चे 10 स्टूडेंट्स पढ़ गए हैं बच्चे कर दो सॉल्व करो हो गया इसका राइट आंसर है बच्चे एज ट्रिगर्ड यस ट्रायंगल शेप जस्ट लाइक योर स्पाइक्स इन टर्म्स ऑफ ओके नेक्स्ट पोल करो बच्चे इसके बेस पे रजिस्टर के बेस पे करो चलो हो गया बच्चे 15 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग गिव द आंसर राइट नाउ बच्चे व्हाट इज द रजिस्टर स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोल इसका बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रजिस्टर्स आर Thank you.
15 students are pending. Give the answer. जल्दी करो बच्चे आंसर. चलो बच्चे इसका आंसर है दैट इज द आंसर 4. हाउ मेनी टाइप ऑफ रेजिस्टर आर दैट इज द 4. ऑप्शन सी. खड़े खड़े सर. ऑप्शन सी बच्चे जो है सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, parallel in serial out, parallel in parallel out. Yes sir. Last poll for the today. A register that is used to store binary information is called. Bas mute your audio. सर इस तो पहले तो वाले था कि आंसर सी ये 4 कहा तो है 4 सर एक्सक्यूज. हां जी, हां जी बच्चे. सर रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड टू स्टोर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बाइनरी इंफॉर्मेशन. उसका भी डी था. डी डी बाइनरी इंफॉर्मेशन आई थिंक. हां हां डी था उसका भी. ठीक है. हो गया. चलो इसका बाइनरी रजिस्टर है दैट इज योर ऑप्शन बी. ओके नाउ इसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट कुछ टाइप्स करते हैं बच्चे. टाइप्स नेक्स्ट दैट इज द कंसीडर ऑफ योर सीरियल इन सीरियल पैलर आउट वाली. तो नेक्स्ट हम करते हैं पैलर इन सीरियल. अब इस पे हमने लेफ्ट मोड कर लिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट मोड भी डिस्कशन हो जाएगा. जैसे लेफ्ट की है अकॉर्डिंग टू दिस वन द राइट मोड फॉर दैट. ओके आई हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट दैट इज द टाइप ऑफ योर शिफ्ट रजिस्टर दैट इज. PISO PISO. I have another diagram.
that is the diagram of your flip flop 0 1 2 3 okay clock is common to all of you now that is your PI that is the Q0 Q1 Q2 Q3 parallel in output that is your serial data output I am audible to all of you class the board is visible to all of you bache yes sir सबसे पहले हम दैट इज अ डायग्राम दैट इज अ बेस ऑन योर पैलर इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर पैलर इन मीन्स दिस इज B1 B2 B3 दैट इज अ डेटा इट शुड बी सेंड इन योर पैलर मोड एंड डेटा आउटपुट इट शुड बी सीरियली आउटपुट डेटा डायग्राम सबको पता लग रही है बच्चे बोर्ड पे विजिबल है सबको ऑल ऑफ यू द बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू Hello class the board is visible to all of you yes sir I have the discussion according to this one this is a basically two mode operation one is now load mode second one is now shift mode operation when in the load mode load aega when the load My point your if your load value is 0 ke according ye value 1 ho jayegi 1 ke sath mera ye connect hai 2 4 aur 6 and gate ki value 1 ho jayegi aur 1 ki value ye 0 hai to 0 aur hamare paas aur gate ki output wo ho jayegi jo value meri b 0 hai b2 hai b3 hai check it out this point when the shift load line is low and gate 2 4 6 are active then they pass b1 b2 b3 bit corresponding to the flip flop on low going edge of the clock binary input b0 b1 b2 b3 get loaded into the corresponding flip flop so that parallel loading of the data take place check out this one ki hamare paas yahan se parallel data kaise flow hoga flip flop pe इस डायग्राम से पता लग रहा है सबको कि नहीं मनप्रीत गुरकिरत इंद्रजीत आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ये पॉइंट समझ लग रहा है बच्चे अकॉर्डिंग टू द PISO पैलर इन सीरियल आउटपुट पैलर इनपुट डेटा एंड द सीरियल आउटपुट डेटा हाँ जी सर इनपुट पैरेलल से आते हैं आउटपुट सीरियल से मींस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा हम दो ऑपरेशन में इसको डिस्कशन करेंगे एक एक लोड मोड और शिफ्ट मोड लोड मोड चलेगा बार मोड में मतलब जब वैल्यू जीरो होगी तो एंड गेट से इसकी इन्वर्टर गेट से वन हो जाएगी वन के अकॉर्डिंग 1 3 5 पे 0 0 इनपुट चल जाएगी तो जीरो जाएगी तो एंड गेट की आउटपुट तो जीरो ही आएगी उसके अकॉर्डिंग 2 4 और 6 वाला जो गेट होंगे वो आपके एक्टिव हो जाएंगे बिकॉज मीन्स अगर B1 की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी मीन्स इस एंड गेट की वैल्यू डिपेंड कर गई आपके पैरेलल डेटा पे तो मीन्स व्हेन लोड ऑपरेशन इज नाउ 0 इन दैट केस योर पैरेलल लोडिंग टेक प्लेस लो
लोड केस में पैरेलल लोडिंग डेटा टेक प्लेस हो जाएगा B0 B1 B2 एंड B3 नाउ यू आर शिफ्टिंग टू द सेकंड मोड जब यहां पे वैल्यू हाई हो जाएगी 1 हो जाएगी इन दैट केस एंड गेट 2 4 6 बिकम इनएक्टिव ये दोनों गेट इनएक्टिव हो जाएंगे तीनों एंड 1 3 5 आर एक्टिव हेंस द पैरेलल लोडिंग ऑफ द डेटा बिकम इंपॉसिबल And 1, 3, 5 AND gate are active. Therefore, shifting of data from left to right bit by bit operation of the clock pulse. Hence, parallel in serial out operation take place. Means load mode में हमारा parallel data हुआ और shift mode में क्या हुआ? जो data मेरा यहाँ पे गया, वो ही data मेरा आगे shift होना शुरू हो गया. So that is the mode operation of the parallel input serial out operation. Check out this one point, bache. Anyone having the doubt? Means load operation में मेरा parallel loading of the data take place हो गया है और shift mode में we have to shift the data shift by right shift data आगे होता रहा है according to bit by bit left to right bit by bit operation according to your clock pulse then you have to get the serial output data at that time. All of you clear up to this diagram? It is your parallel in serial output resistor. Parallel data aya or serial input, serial output data gaya. In and out data in the place of your parallel in and serial out data. Anyone having the doubt up to the this type of your resistor? No, sir. So, iske according, aapke paas ek teesra, third one is now. सीरियल इन पैलर आउट वो हम शायद पीपीटी में लिखा होगा पीपीटी में सारे रजिस्टर मेंशन है आपके दैट इज योर सीरियल इन पैलर आउट ये देखो इस पे सीरियल इन पैलर आउट की डायग्राम देखो सीरियल इन पैलर आउट कन्वर्जन जो आप डेटा भेज रहे हो दैट इज द सीरियल इन और पैलर ही क्यूए क्यूबी क्यूसी आउट दैट इज द पैलर डेटा टेक प्लेस चेक कर रहे हो पीपीटी में बच्चे सभी All of you check it out. That is a serial to parallel conversion. Yes, sir. उसमें serial data आ रहा है और parallel हमें output मिल रही है. और fourth one भी यहाँ पे आ जाएगा parallel input, parallel output. देखो, ये भी आ गया बच्चे parallel in, parallel out. Parallel in means PA, PB, PC, PD. It should be the parallel input data. QA, QB, QC, QD. That is the parallel output data. That should be the take place of the four types of your resistor. All of you clear up to this point? बच्चे ये देख लो आज की ये टॉपिक जो हमने डिस्कशन किए हैं. That is the conversion of the flip-flop 1 and 2 and the types of your resistors. Serial in, serial out. This way, we have discussed serial in, serial out with the left bit resistor. Right, वैसे ही होगा. Parallel in, serial out. हमने blackboard पे कर लिया. Similarly, दोनों diagram we will be show in your PPT. That is the parallel in, parallel out and the serial in, parallel out. I will give you 2-3 minutes for that. Checking out this one. If you feel any query, then I have to discussion with them. Check karo bache.
देख लो बच्चे, anyone having the doubt in your conversion? Hello. Muskan Roy, Menka, Mitali. Yes, sir. Payal Sharma, yes sir. All of you have to clear about your flip flop. You are having the data with your conversion one. Yes sir. Yes sir. Sharkirat, Anmol Thakur. Hello. हाँ जी बच्चे क्लियर है नाउ ऑल ऑफ देम यू हैव टू क्लियर अबाउट दिस योर रजिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देन आई हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर हम लेक्चर में यूनिवर्सल रजिस्टर बाई डायरेक्शनल रजिस्टर और स्टार्ट करेंगे काउंटर के साथ ओके एवरीवन हेलो ओके सर ओके आपके बीच में से दो चार जनों की असाइनमेंट आई नहीं है वो सबमिट करवा दो अपनी असाइनमेंट डेट विद द लेट सबमिशन फॉर दैट कौन रह गया पेंडिंग इसमें मैंने काउंट करा था कुछ लोग पेंडिंग आ रहे हैं असाइनमेंट में से सर एक बार कंफर्मेशन लिस्ट भेज दो कि किस किस की मिल गई है मैं करवा दूंगा अगर पॉसिबल है तो सर ठीक है बच्चों वैसे सर मेल भेजती है वो सेंड में ही है अनडिलीवर्ड में नहीं है पर एक बार कंफर्म हो जाए कुछ बच्चों की है कोई पेंडिंग में ना मैं तो उनको उन्होंने बनाई नहीं है तो वो सेंड कर दो अपने एंड पे क्लियर ओके उनको पेंडिंग है तो बाकी ये फ्राइडे जो आपका लेक्चर है मेरा और आपके संजीव सर का लेक्चर स्वैप हुआ था आपस में ठीक है तो फ्राइडे अब उनका लेक्चर लगेगा क्लियर ओके सर ओके सर ओके तो ये मैं दोनों पीपीटी चाहे आपको ना ग्रुप में भी भेज देता हूँ ये वाली रजिस्टर्स वाली और आपको
कन्वर्जन ऑफ पीपीटी, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? ठीक है सर. ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे, मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम. ओके थैंक यू सर. ओके थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.